हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे, सो आज है मिहाई का फर्स्ट डे स्कूल के अंदर। सो मिहाई हो गई है तैयार, ये है मिहाई की यूनिफॉर्म और मिहाई बहुत ज़्यादा खुश है। चलो मम्मी उधर जाते हैं, बस को देखा। ये तो वेदांता की खराब वेदांता है ना खराब वेदांता। टाइम हुआ है 7:40 और मिहाई गई, मैं जस्ट मिहाई को भी छोड़ के आई हूँ। ये डाइनिंग टेबल पे रात का ही रखा हुआ है, अभी तक कुछ किया नहीं है। और किचन में मैं बताती हूँ, किचन में मैंने अभी सिर्फ आटा लगाया है इनके लिए और सब्जी कटिंग करके रखी है। और ये उठ गए हैं, वॉशरूम में है, तो अब बस मैं स्टार्ट करूँगी, पहले सब्जी बनाऊँगी उसके बाद में बाकी काम करूँगी और रोटी तो आएंगे तब सीखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। मिहाई की बस का वेट करते करते मैंने सब्जी वगैरह कटिंग कर ली थी और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, तो तैयारी मैंने कर रखी है पूरी। और आज है मंडे, तो यहाँ जो मेन काम है मुझे इस वीक के करने, वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे प्रायोरिटी में कपड़े धोना और हल्दी डालने वाला, सारे मसाले वगैरह फिल करने और हम तीनों की अलमारियाँ सेट करनी है। अब इनमें से कितने काम होते हैं कितने नहीं होते हैं इस वीक में, वो अभी कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि बीच में और भी छोटे मोटे काम आ जाते हैं। ये तो मेन बहुत बड़े काम है जो मुझे मोस्टली प्रायोरिटी के अंदर करने हैं, लेकिन छोटे मोटे और भी काम आ जाते हैं। और जब तक सब्जी बन रही थी तो ये बाथरूम में ही थे, तब तो मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ आ गई थी। ये ड्रेसिंग एरिया के पास का एरिया है तो यहाँ पे सफाई वगैरह करने के लिए, ताकि जैसे कुछ चीज़ें थी जो खाली हो गई हैं उनको निकालने के लिए। और इस एरिया की मैंने कहा थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही क्योंकि पर्दे के पीछे है, बट आगे आगे की थोड़ी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये रूम पूरा मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था और बीच के अंदर मैं जाके ना सब्जी चेक कर रही थी, क्योंकि सब्जी एक बार मैं बनाई ही थी तो फिर मैं बीच के अंदर इसको आराम से चेक कर रही थी कि मतलब लग नहीं जाए, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है इसमें लगती बहुत जल्दी है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था बीच के अंदर। और मैं सब्जी चेक करती जा रही थी और जो टाइम बच रहा था उसके अंदर मैं जैसे कोई छोटा मोटा काम होता है ना वो करती जा रही थी, जैसे गद्दे वगैरह इधर रखना, कोई सामान बिखरा हुआ है तो उसको अपनी जगह पर रखना, ऐसे कर रही थी। तो मैं अंदर वाला रूम पूरा क्लीन करके आ गई हूँ और ये है हॉल का सामान। अब हॉल का जो बेड है इसको क्लीन कर रही हूँ, तो बस मैं यहाँ वही सब कर रही हूँ। रात का आपको देखा ही था लास्ट ब्लॉग में फैला हुआ था। और ये जो मैं दो शॉर्ट्स लेकर आई थी ना, इसमें ये ब्लैक वाली शॉर्ट्स है ना बड़ी आ गई है, तो चेंज करवाना है, बट मुझे पता है अब हम लोग दोबारा जा नहीं पाएंगे। वाइट वाली शॉर्ट्स है वो फिक्स मेजरमेंट की है इसकी, तो वो ओके है। जो ब्लैक वाली है वो बड़ी है थोड़ी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक शॉर्ट्स रखी थी तो मैंने अभी तो वो पहना के भेज दी है। बाकी ये अभी मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद में मिहाई के ये यूज़ आएगी। और बेड मैंने ये पूरा इस पर जितना भी सामान वगैरह रखा हुआ था वो सारा हटा दिया, और ये इनका बैग है जो अभी ये जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो बाहर वाला गद्दा साफ़ हो गया है और पास वाला रूम साफ़ हो गया है, अब इसकी बारी आई है। तो चद्दर बिछाने के बाद में मेरा ऑलमोस्ट सारा डस्टिंग का काम है वो क्लियर हो गया है और बहुत सारे कपड़े इधर इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि दो दिन जो काम चला था उसमें चद्दर वगैरह बहुत गंदे हो गए थे और एक एक चद्दर उनके ऊपर रखा था ताकि गंदे नहीं हो, तो वो भी गंदे हो गए। और ये जो कुर्सियों के कवर हैं इनको तो मैंने धो के सुखा के वापस लगा दिया है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक ही सेट सिलाया ये कवर का, तो अभी दूसरे कवर थे नहीं इसके और ये ऐसे बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी हैं उस वजह से। तो डस्टिंग के बाद में फिर हस्बैंड आ गए थे तो मैं फटाफट उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए फिर लेट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे बस उन्हीं के लिए खाना बना के उनको खाना वाना खिला के एक बार वो फ्री हो जाएंगे ऑफ़िस चले जाएँगे, तो उसके बाद में फिर मैं घर का बाकी काम करूँगी। Thank you.
घर की सफाई का सारा काम करके मैं पहले नहा ली थी, और नहा के मैंने जो मेरे कपड़े थे वो धो लिए थे और छोटे मोटे जो और कपड़े थे वो धो लिए थे, लेकिन चादर वगैरह मैंने अभी नहीं धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े, तो मैंने अभी उन्हें नहीं, थोड़े थोड़े कपड़े धोने का सोचा था। तो जो डेली के कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट मैंने एक बाल्टी भर के धो लिए थे, और फिर मैं उनको ऊपर जाके सुखाई आई थी ताकि मिहाई आएगी तब तक ये ऑलमोस्ट बहुत जल्दी सूख जाएंगे। पहले मिहाई के आने से पहले पहले मैं उनको उतार लूँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए, तो नहाते ही फिर मैंने सबसे पहले पूजा करी है, और मैं स्किन केयर भी मेरा बाद में करती हूँ, पहले मैं पूजा करती हूँ क्योंकि नहाने के जस्ट बाद में जो फेस पे नहाने का पानी होता है वो भी सूख जाता है, उसके बाद में पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मैं मेरा स्किन केयर करती हूँ। और स्किन केयर पे मैं ना जो क्योर स्किन है उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने फैब में मंगाए थे बट फैब में मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो स्टार्ट करते करते मुझे मतलब मैंने मार्च के अंदर स्टार्ट किया था, हाफ मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इतना विश्वास नहीं था बट इफ़ेक्टिव है काफ़ी, मेरे को फ़र्क दिखा है। मैंने फ़ोटोज़ भी ली है पहले वाली, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और पूरा काम वाम करके फिर मैं आ गई थी, भूख लग रही थी तो मैं मेरे फ्रूट्स खाने आ गई थी। नॉर्मली मैं पहले खा लेती हूँ लेकिन यहाँ मैंने बाद में खाए थे क्योंकि मैं नहाने और काम वाम करने लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा पहले पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद में आराम से बैठ के खाएंगे। कैसा रहा स्कूल का फर्स्ट डे? अच्छा था। पहले दिन में ना दोस्त हो गए ना। क्या क्या नाम है उनके? एक तो मान्या, एक का नाम नहीं पता, नाम नहीं पूछा। और पता है मुझे एक सीक्रेट भी पता चला। अरे वाह। और इसको पापा छोड़ भी सकते हैं? ये तो पापा लाए थे मिहाई के लिए। पापा नहीं, पापा ने कहा था मेरे को लेके आना मिहाई के लिए। हाँ ये देखो इसका पेट कितना अच्छा है, यहाँ से दूध पीते हैं। स्कूल का बता दो तो मुझे कैसी लगी स्कूल? न्यू स्कूल क्या स्ट्रिक्ट थे क्या? अच्छा क्लास ऐसे कर रहे थे, बार चिल्ला रहे थे। कौन से गाने पे डांस सिखाया? जिस पे ना देखो पहले ऐसे था, अच्छा फिर ऐसे गाना कौन सा था? ऐसे गाना तो पता नहीं, मैम से नाम नहीं पूछा। अरे तो एक ना हमें बॉटल्स के साथ जा रहा था, और बॉटल्स के साथ खेलना नहीं था, तो सारे पीरियड्स में ना आंटी थी एक, है ना, वो रहे डांस क्लास में, नॉर्मल क्लास में, असली क्लास में, सिंगिंग क्लास में, हर क्लास में। सुर अच्छा निकलता है जैसे सारी गामारीता, अच्छा सुर निकलता है। और फिर सर ने मतलब वो वाला इंस्ट्रूमेंट बजाने लग गया, सारा गामा मीता ऐसे ऐसे गाने लगे हैं, हम उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। लास्ट वीक में मेंटेनेंस के काम के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरी सिलाई थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो उस वजह से आज मैंने घर के जो डेली के काम है वो काम करते पहले मैं सूट सिलने के लिए आ गई थी, तो ये सूट मैंने मिहाई के आने से पहले पहले रेडी कर दिया था, थोड़ा सा बाकी था जो मिहाई के आने के बाद में किया, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद में मुझे अभी अर्जेंट में और भी सिलने हैं, बट अभी मैंने सिर्फ इसी को कंप्लीट किया है, फिर मैं आ गई थी अंदर। हेलो फ्रेंड्स, सो देख सकते हैं आपकी अभी आज मम्मी बनाने वाली है पॉपकॉर्न, और यहाँ पे मम्मी ने, चलिए देखते हैं चुपचाप। सो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अभी ली है कुछ, हाँ जो भी हो बस यह है मम्मी ने, और ये आ गए हैं हमारे पॉपकॉर्न बनाने के लिए, यमी यमी पॉपकॉर्न। सो हम अब पॉपकॉर्न खाएंगे, लेकिन पहले बनने तो दे हम। सो आप देख सकते हैं हमारी प्यारी मम्मी की ब्यूटीफुल एकदम परी जैसी फेस। पिएगी ना चाय? यस। और यहाँ पे अभी हमारी चाय भी बन रही है, तो यहाँ पे एक और गैस जल चुकी है, और यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी मम्मी खाना बना रही है। तो मीठी मीठी चीनी आ रही है हमारे मुंह में। मम्मी जल्दी मेरे वाले में ज्यादा मत डाल देना, ओके? मैंने तो ज्यादा बनाई है तेरे। हैं ये क्या किया मम्मी? चलो ठीक है डाल दो, पकौड़े के साथ तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी आई मीन, है ना? तो हमारी क्यूट क्यूट सुंदर सी एंजल मम्मी ने बना लिए है टेस्टी टेस्टी पॉपकॉर्न। स्पाइसी नहीं है तो सुपर टेस्टी है, मुझे पता है मम्मी मैं आपकी हर चीज़ खाती हूँ। ओहो थोड़े बहुत गिर चुके हैं क्योंकि अभी ये फूल चुके हैं ना, बहुत टेस्टी बने हैं।
क्या मम्मी आप हमें एक दे सकती है? पूरे ही खा लेना। मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ फूल ले जाता हूँ और तेरी चीज़ को दे देता हूँ। चाय और पॉपकॉर्न खाने के बाद में हम दोनों ने खूब सारी बातें करी और दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया। मेहाई ने टीवी देखा, मैंने फ़ोन देखा मेरा थोड़ा सा, फिर मैंने कपड़े धोए और बहुत सारे चद्दर वगैरह थे वो सब, और ये दोपहर के कपड़े थे जो मैं उतारना भूल गई थी तो मैं इनको उतार के लेके आई, और जो मैंने नए कपड़े धोए थे जो मतलब चद्दर वगैरह धोई थी अभी शाम को उनको सुखाया। तो मतलब मेरे कपड़े धोना मेरा अच्छा खासा बड़ा टास्क था क्योंकि बहुत ज़्यादा चद्दरें गंदी हो गई थी, दो दो साइड चद्दर्स के गंदे हो गए थे, तो उस वजह से मेरे को चद्दर धोना बहुत ज़रूरी था। तो जो डेली के कपड़े वो मैंने देर में धो लिए थे और थोड़ी सी चद्दर अभी शाम को धो ली, थोड़ी सी फिर मैं कल धो लूँगी। ऐसे करके एक साथ मेरे पास बर्डन भी नहीं आएगा और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, अंधेरा हो गया था, आपको दिख ही रहा है। फिर मैं फटाफट नीचे आई, फिर मैंने खाना बनाया, हम सबका किचन साफ करी, क्लीन किया, उसके बाद में मैंने सारे मसाले वगैरह फिल किए जो कि आज इस वीक की टू डू लिस्ट में मेरा सेकंड काम था। मेरे को सारे मसाले फिल करने थे, गर्म मसाले वगैरह भी मैंने डब्बे चेंज किए थे तो वो फिल किए, और जो रायता मसाला और नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो एक दो मैं बाहर रखती हूँ बढ़नियों में, तो उनको मैं डाइनिंग से अंदर लेकर आई थी। ऐसे करके मेरे को काफ़ी काम हो गया था, तो ये सब करते करते मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, सोने का टाइम हो गया था, तो किचन मेरी एकदम क्लीन करके मैंने और फिर मैं सोई थी। तो यहाँ किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी मेरा स्किन केयर करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ स्किन केयर में, लेकिन जब से मैंने क्योर स्किन का ये स्टार्ट किया है उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा मिस नहीं हो, तो क्योंकि फ़र्क मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि क्या सीन है क्या नहीं है क्या क्या मैं करती हूँ। और ये नाइट के अंदर मेरे को कोजिक की कोई क्रीम है जो कि लगानी होती है कोजिक एसिड की, तो वो मैं लगाती हूँ और बस ये करके मैं मेरा नाइट ड्रेस पहन के इजी वे में और बस अभी सो जाऊँगी। और ये था मेरा आज का फुल डे का रूटीन। दिखने में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है बहुत ज़्यादा होते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे आपने देखे धोने के, और इतना बिजी हूँ कि मुझे मेरे बालों को भी सुलझाने का टाइम नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। मेरे नीचे से आजकल बाल उलझने लग गए, पहले नहीं उलझते थे, अभी पीछे गर्दन की साइड से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझने लग गए, तो पता नहीं मैं क्या करूँगी इनका। अभी तो मैं सिंपल चोटी सी कर रही हूँ ताकि रात को और ज़्यादा नहीं उलझें, और देखती हूँ इनको कैसे तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं फिर वो टूटते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अभी से उसका कोई सॉल्यूशन निकालूंगी। और बस सारा काम करके फिर मैं आ गई थी सोने के लिए। तो मैं सोने जा रही थी ना, तब मुझे याद आया कि मैं इनके जो पानी की बोतल है जो रात को हम लोग ले के सोते हैं तो वो भूल गई हूँ, तो मैं उस पहले मैंने उसको फिल किया, तो मुझे बहुत आलस आ रहा था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सोने की कंडीशन में थी कि अब सारा काम हो गया तो ये काम और आ गया, तो फिर मैंने इसको फिल किया। मैं तो रात को पानी नहीं पीती हूँ बट ये इनको ज़रूरत पड़ती है तो इस वजह से मेरे को लेके जाना मस्ट होता है, मैं मेरा होता तो मैं टाल कर देती, तो बस फिर मैं लेके गई और सो गई। गुड नाइट, बाय।